जलंधर नाम का दैत्य हुआ। जलंधर के पिता भगवान शिव, रामचरितमानस भागवत में कथा नहीं आती, शिव पुराण की यह कथा है। क्योंकि हम लोग शिव पुराण की कथा भी करते हैं, शिव पुराण में कथा आती है, एक बार देवगुरु बृहस्पति, ध्यान देकर सुनो, और देवराज इंद्र को अभिमान हो गया क्या कि मैं देवताओं का राजा हो गया, और बृहस्पति को अभिमान हुआ मैं देवताओं का गुरु हो गया। इसलिए सारे देवता हमारी वंदना तो करते हैं, लेकिन भगवान शिव को छोड़कर, शिव हमारी वंदना करें, शिव हमारा ध्यान करें, शिव हमारा पूजन करें, कैसे संभव है? तो बृहस्पति इंद्र ने सोचा, अतिथि देवो भव, शिव के दरवाजे जाओ तो शिव हाथ जोड़ करके स्वागत करने खड़े हो जाएंगे। हाथ जुड़ जाएगा तो हम लोगों को यही कहते रहेंगे, देखो शिव भी हमारे सामने हाथ जोड़ता है। आजकल होता है क्या, कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा लेता, बोलते ये हमारे बहुत नजदीकी हैं। इंद्र ने सोचा हम भी जो है फोटो खिंचवा लेंगे, डीएसएलआर लेकर के गए, फोटो खिंचाने, भगवान शिव स्वागत करते, हाथ जोड़ लेंगे। शिव पुराण की कथा, ये तो मैंने मजाक बस विनोद बस कह दिया, डीएसएलआर की बात। देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र हिमालय की तरफ बढ़े, भगवान शिव ने दिगंबर भेष धारण किया, और दिगंबर भेष धारण करके शिवलोक के द्वारपाल के रूप में खड़े हो गए। इंद्र और बृहस्पति गए और जा करके पहचान ना पाए भगवान शिव को, शिव पुराण की कथा, कहने लगे सुनो जाओ शिव को जाकर के कह दो देवताओं के राजा इंद्र और देवगुरु बृहस्पति आए हैं। भगवान रुद्र दिगंबर भेष धारण करके खड़े हैं और भगवान शिव वहां से कष्ट से मस्त नहीं हुए। इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में इंद्र ने भगवान शिव के ऊपर वज्र का प्रहार, और जैसे ही वज्र का प्रहार किया, वज्र के चोट लगते ही भगवान शिव के नेत्र से अश्व की धारा गिरी और क्रोध में आया भगवान। अश्व की धारा को भगवान शिव ने हाथ पर ले लिया और हाथ में लेकर के देवराज इंद्र और बृहस्पति को श्राप दे दिया। देवगुरु बृहस्पति को श्राप दिया, जाओ तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए तुम जड़ के समान स्थिर हो गए। और इंद्र को श्राप दे दिया, तुम राजा होने का अभिमान है, इसलिए इंद्र तुम्हारा राजगद्दी, राज सिंहासन कभी स्थिर नहीं रहेगा, छिन जाएगा। इंद्र को श्राप दिया, इंद्र और बृहस्पति पैरों पर गिर गए। जैसे ही पैरों पर गिरे, भगवान शिव तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत आसान है, एक लोटा जल लो और भोले बाबा के सिर पर डाल दो, हर हर महादेव, हो गया काम पूरा। दूसरे देवी देवता की पूजा में कितना विधि, कितना विधान है, और भोले बाबा का नल खोला, पानी भरा, डाल दिया। अच्छा, किसी भी देवता के, किसी भी भगवान के माथे से जल डाला जाता है? डाल डाल कोई भी भगवान के माथे से जल नहीं डाला जाता, सबके चरणों पर। और भोले बाबा इतने सीधे साधे, घोर ठंड में भी उनके माथे पर लोग जल डाले जा रहे हैं, फिर भी प्रसन्न प्रसन्न हो गए। इंद्र को कहा, इंद्र श्राप तो फलीभूत होगा, लेकिन भगवान की कृपा से हर बार तुम्हें तुम्हारी गति प्राप्त हो जाएगी। बृहस्पति को कहा, बृहस्पति श्राप दे दिया है, इसलिए फलीभूत होगा, तुम केले के वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाओ केला, इसलिए बृहस्पति बार को केले का पूजन हो। बृहस्पति मतलब गुरुवार, केले में गुरु का स्थान माना गया, इसलिए बृहस्पति का व्रत, गुरु का व्रत करते हैं लोग। और तुम्हारा वह, तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी डाल, तुम्हारी टहनी, तुम्हारा पेड़ होगा, वो गलने वाला नहीं होगा, वो सड़ने वाला नहीं। केले का डाल सड़ता है, जल्दी नहीं सड़ता। और तुम्हारा फल सर्वश्रेष्ठ, सर्व पूजा में उपयोगी होगा, ऐसा भगवान शिव ने बृहस्पति को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने देखा हाथ में अश्व की धारा कुछ बच गई है, जहां इसे फेंकूंगा वहां वह स्थान भस्म हो जाएगा,
क्या क्या क्रोध में निकला हुआ अश्व है। भगवान शिव ने वह जल को समुद्र में फेंक दिया और जल को समुद्र में फेंका, वहां से एक राक्षस उत्पन्न हो गया, जो कि क्रोध से हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। गोस्वामी जी महाराज देखते हैं, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर इतना पराक्रमी हुआ, सारे राजा हार गए। जलंधर ने तपस्या किया और तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अमर नहीं हो सकते हो, क्यों? क्योंकि अमर कोई नहीं है। जलंधर ने कहा एक काम करो, मुझे मेरी पत्नी ऐसी मिले जो पत्नी मेरे अलावा किसी और पर प्रेम ही ना करे, एक पल के लिए नहीं। और जब तक उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक तीनों लोकों में कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। जलंधर की पत्नी का नाम हुआ वृंदा, वृंदा नाम हुआ जलंधर की पत्नी। और जलंधर की पत्नी आशीर्वाद के कारण उसका पातिव्रत धर्म ही नष्ट नहीं होता, वो किसी और को देखती ही नहीं। जलंधर ने सब देवी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भगवान महादेव के पास गए, प्रभु ये आपका पुत्र परेशान करता है। भगवान शिव युद्ध करने के लिए गए। शंभु कीन्ही संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। मरा नहीं जलंधर। और जब जलंधर नहीं मरा, भगवान शिव कह रहे पार्वती मेरे से भी जलंधर नहीं मरा, तब मैं भगवान विष्णु के पास गया, जिन विष्णु की कथा मैं सुना रहा हूँ तुम्हें। भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए और इधर मैं जलंधर के साथ युद्ध करने लगा। वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जैसे जलंधर का वध हुआ, जलंधर का वध होते ही यह बात वृंदा को पता चला। वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, क्या जाओ तुम्हारा हृदय पाषाण का हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पाषाण के हो गए, पत्थर के हो गए। भगवान शिव ने कहा ये तुमने बिना जाने हुए बिना जांचे हुए श्राप दिया। तुम्हारा पति पापी था, कलंकित था, तुमने मुझे जड़ होने का श्राप दिया, जाओ तुम भी जड़ समान वृक्ष ही हो जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप दे। भगवान नारायण, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने संधि कराई। भगवान शिव ने संधि कराई, पता है भगवान नारायण कौन हुए? भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। वृंदा के श्राप से भगवान नारायण शालिग्राम हुए। कथा तो बहुत लंबी है, मैंने संक्षिप्त में कही। भगवान शिव ने कहा वृंदा तुम सदा सर्वदा शालिग्राम के माथे पर विराजमान हो। भगवान शिव ने आज के दिन भगवान शालिग्राम और वृंदा तुलसी बन गई। वृंदा और शालिग्राम का विवाह कराया, वह दिन आज का।